हेलो टू ऑल एंड गुड मॉर्निंग अगेन। हम लोगों ने स्टेम और रूट के बारे में अध्ययन कर लिया था। आगे हम पत्ती की संरचना की बात करते हैं, लीफ की बात करते हैं। तो लीफ में देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो लीफ है वो लेटरली फ्लैट संरचना होती है जो तने पर लगी हुई होती है, और ये गांठ से विकसित होती है या नोड से विकसित होती है, आप लोगों को पता ही है। और इसके कक्ष में कली पाई जाती है, एक्जिलरी बड यहाँ पर मिलती है। कक्षीय कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती है, यानी ये कक्षीय कली बाद में शाखा बना देगी, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। पत्तियाँ प्ररो के शीर्षस्थ मेरिस्टेम से निकलती है, जो पत्तियाँ हैं वो स्टेम के एपिकल मेरिस्टेम से निकलती है। तो आपको ये एपिकल मेरिस्टेम या शीर्षस्थ मेरिस्टेम ध्यान रखना है। ये पत्तियाँ एक्रोपिटल ऑर्डर में या अग्राभिसारी रूप में लगी रहती है। ये पौधे के बहुत महत्वपूर्ण कायिक अंग है, सोमेटिक ऑर्गन है, क्योंकि ये भोजन का निर्माण करती है। एक प्ररूपी पत्ती के तीन भाग होते हैं, बिल्कुल आपको एक प्ररूपी पत्ती के तीनों भाग याद रखने हैं। पर्णाधार, लीफ बेस, पर्णवरण, पीटियोल और स्तरिका, जिसे हम लेमिना कहेंगे। तो लीफ बेस, पर्णवरण, पीटियोल और स्तरिका, जिसे लेमिना हम बोलेंगे, तो ये तीनों भाग आप याद रखेंगे। पत्ती पर्णाधार की सहायता से तने से जुड़ी रहती है, आगे हम डायग्राम में बात करेंगे। तो जो लीफ बेस है उसकी सहायता से ये तने से जुड़ेगी। इसके आधार पर दो पार्श्व छोटी पत्तियाँ निकलती है। तो फिर से इंपॉर्टेंट है कि आधार से दो पार्श्व छोटी पत्तियाँ निकलती है, जिन्हें हम अनुपर्ण या स्टिप्यूल के नाम से जानेंगे। अभी इसकी पोजिशन भी हम बात करेंगे, स्टिप्यूल इसे हम बोलेंगे, अनुपर्ण हम इसे कह देंगे। एक बीजपत्री में पर्णाधार चादर की तरह फैलकर तने को पूरा या आंशिक रूप से ढक लेता है, यानी एक बीजपत्री में जो लीफ बेस है वो बिल्कुल शीत लायक हो जाएगा, चादर की तरह फैल जाएगा। कुछ लेग्यूमी और कुछ अन्य पौधों में पर्णाधार फूल जाता है, जो लीफ बेस है वो फूला हुआ होता है, और इसे हम पर्णवरण तल्प या पलवाइनस बोलते हैं। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे कि पर्णवरण तल्प या पलवाइनस किस में दिखाई देता है, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में दिखाई देगा। पर्णवरण पत्ती को इस तरह सजाता है जिससे कि इससे अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिल सके, यानी पर्णवरण का काम है कि वो पत्ती को अधिकतम सूर्य का प्रकाश दिलाए। एक पत्ती की टाइपिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रही है, तो आप देखिए कि एक पत्ती में कौन कौन से भाग होते हैं। ये पत्राकार है, जिसे लीफ बेस हम कहेंगे, पत्रा व्रंत जिसे हम पीटियोल बोलेंगे, ये एक्जिलरी बड है, ये स्टिप्यूल है और ये लेमिना है। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि पत्राकार को हम लीफ बेस कहेंगे, पत्रा व्रंत को हम पीटियोल कहेंगे, अनुपर्ण को हम स्टिप्यूल कहेंगे, ये एक्जिलरी बड है और ये स्तरिका लेमिना है। लचीला पर्णव्रंत, लंबा पतला और लचीला पर्णव्रंत इस तरीका को हवा में हिलाता है, यानी पर्णव्रंत का काम है कि वो लेमिना को हवा में हिलाएगा और पत्ती को ताजी हवा दिलाएगा। इस तरीका पत्ती का हरा और फैला हुआ भाग है, आपको दिख ही रहा है, ये इस तरीका लेमिना वाला पार्ट है पूरा, जिसमें आपको बहुत सारी शिराएं और शिरिकाएं भी दिख रही है, वेंस और वेंटलेट्स भी दिख रही है। इसके बीच में एक सुस्पष्ट शिरा होती है, जिसे हम मध्य शिरा या मिडरिब हम कहेंगे। बीच में आपको मिडरिब नज़र आ रही है, बिल्कुल पत्ती के बीच में। शिराएं पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती है, तो शिराओं का काम आपको ध्यान रखना है, पानी, खनिज और भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की तरह कार्य करती है। तो शिराओं का काम हो जाएगा दृढ़ता प्रदान करना, और पानी, खनिज और भोजन के स्थानांतरण में ट्यूबल्स की तरह फंक्शन करना। विभिन्न पौधों में लेमिना या स्तरिका की आकृति उसके सिरे, चोटी, सतह और कटाव में विभिन्नता लिए हुए होती है, यानी लेमिना की जो आकृति है वो अलग अलग पौधों में अलग अलग आपको नजर आ जाएगी। आगे हम शिरा विन्यास की बात करते हैं। पत्ती पर शिरा और शिरिकाओं के विन्यास को शिरा विन्यास हम कहेंगे। जब शिरिकाएं स्तरिका पर एक जाल सा बना देती है, और जालिका वत शिरा विन्यास आपको नजर आएगा, रेटिकुलेट वेनेशन नजर आएगा। तो ऐसा वेनेशन आपको द्विबीजपत्री पौधों में डाइकोट में नजर आएगा, जैसे कि आपको इस वाले डायग्राम में नजर आ रहा है, ये जालिका वत शिरा विन्यास हो जाएगा। और जब शिरिकाएं समानांतर या पैरेलल वेनेशन में है, तब ये एकबीजपत्री पौधों में पैरेलल वेनेशन बनाएगी, जो कि आपको सेकंड वाले डायग्राम में नजर आ रहा है। तो दोनों ही आपको याद रखना है कि जालिका वत शिरा विन्यास कहाँ पर मिलता है, यानी डॉर्सी वेंट्रल लीफ जो है वो द्विबीजपत्रियों में पाई जाएगी, डॉर्सी वेंट्रल लीफ, और आइसोबायलेटरल लीफ जो है वो एक बीजपत्रियों में मिलती है। बिल्कुल आपको ये भी याद रखना है कि जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ है वो डाइकोट का करेक्टरिस्टिक्स है, और जो आइसोबायलेटरल लीफ है समद्विपार्श्विक पत्ती वो आपका मोनोकोट का करेक्टरिस्टिक्स है। यानी हम डॉर्सी वेंट्रल का मतलब है पृष्ठाधारी पत्ती, जो पृष्ठाधारी पत्ती है वो तो कहाँ मिलेगी, द्विबीजपत्रियों में मिलेगी, और जो समद्विपार्श्विक पत्ती है आइसोबायलेटरल
वो आपकी एक बीज पत्रियों में पाई जाएगी। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आगे हम देखते हैं संयुक्त पत्तियां दो प्रकार की होती है। उससे पहले हम पत्ती के प्रकार देख लेते हैं कि पत्तियां कितने प्रकार की है। तो पत्तियां दो प्रकार की हो जाएगी, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। जब पत्ती की स्त्री का अच्छिन्न होती है, अच्छिन्न से हमारा मतलब है कि पूरी फैली हुई अथवा कटी हुई लेकिन कटाव मध्य सिरा तक नहीं पहुंच पाता हो, तब यह पत्ती सरल पत्ती कहलाएगी। यानी जब पत्ती की लेमिना जो है वो अच्छिन्न एंटायरली फैली हुई है और कटी हुई है लेकिन जो कटाव है वो मध्य सिरा तक नहीं पहुंच रहा है, यानी जो लेमिना का कटाव है वो मध्य सिरा तक नहीं पहुंचता है, तो उसे हम सरल पत्ती कह देंगे। और जब इस तरीके का कटाव मध्य सिरा तक पहुंच जाता है और बहुत पत्रकों में टूट जाए, यानी वहाँ पर बहुत सारे पत्रक बन जाएँ, तो ऐसे पत्ती को हम संयुक्त पत्ती कहेंगे। तो सिंपली आप ये याद रखेंगे कि जो लेमिना है वो अगर कटी हुई है और मध्य सिरा तक नहीं पहुँच रही है तो ऐसे पत्ती को सरल पत्ती बोलेंगे, और जो लेमिना है वो कटाव लिए हुए है और उसका कटाव मध्य सिरा तक पहुँच जाता है और वो लेमिना बहुत सारे पत्रकों में टूट जाए, तो ऐसे पत्ती को हम संयुक्त पत्ती कहेंगे। सरल तथा संयुक्त पत्तियों दोनों में पर्णवृंत के कक्ष में कली होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं पाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्या डिफरेंस है यहाँ पर। सरल और संयुक्त पत्तियों दोनों में पर्णवृंत के कक्ष में तो कली मिलती है, लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं पाई जाती है। यानी सरल पत्ती के पर्णवृंत और पत्रकों के कक्ष में कली मिलेगी, लेकिन संयुक्त पत्तियों के केवल पर्णवृंत के कक्ष में कली मिलेगी, पत्रकों के कक्ष में कली नहीं पाई जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। यानी पर्णवृंत का यहाँ पर मतलब हो जाएगा पिट्योल। पिट्योल के कक्ष में तो कली जो है वो दोनों पत्तियों में मिलेगी, लेकिन लीफलेट की हम बात करें, पत्रकों की बात करें, तो वहाँ पर संयुक्त पत्ती के लीफलेट में कक्ष में कली नहीं पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त पत्तियाँ फिर से दो प्रकार की हो जाएगी, पिच्छाकार संयुक्त पत्तियाँ में बहुत सारे पत्रक एक ही अक्ष पर जो मध्य सिरा के रूप में होती है पर स्थित होते हैं, जिसका उदाहरण आपका नीम, जैसा कि आपको ये दिख रहा है नीम की पत्तियाँ। और हस्ताकार संयुक्त पत्तियों में पत्रक एक ही बिंदु, ये बिंदु है आपका, अर्थात पर्णवृंत, ये पर्णवृंत है कि चोटे से जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे पत्रक पर्णवृंत की चोटे से जुड़े हुए हैं, और ऐसा आपका सिल्क कॉटन वृक्ष में दिखाएगा। तो बिल्कुल आपको दोनों पत्तियों को याद रखना है। तो एक तो आपकी हो जाएगी पिनेटली कंपाउंड लिफ और एक आपकी हो जाएगी पामेटली कंपाउंड लिफ। जो पिनेटली कंपाउंड लिफ है उसे हम पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां बोलेंगे, पिनेटली कंपाउंड लिफ हो जाएगी और ये हो जाएगी आपकी पामेटली कंपाउंड लिफ। तो दोनों ही आपको ध्यान रखना है, और दोनों के उदाहरण आप ध्यान रखेंगे कि जो पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां या पिनेटली कंपाउंड लिफ है वो नीम में दिखाई दे रही है, और जो पामेटली है वो आपको सिल्क कॉटन वृक्ष में। आगे हम पर्ण विन्यास की बात करते हैं। तने तथा शाखा पर पत्तियों के विन्यस्त रहने के क्रम को हम पर्ण विन्यास बोलेंगे, कि तने और शाखा पर पत्तियां किस प्रकार से ओरिएंटेड है। ये प्राय तीन प्रकार का होता है, एकांतर, सम्मुख और चक्करदार, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये वाला जो हो जाएगा एकांतर, ये सम्मुख और ये चक्करदार हो जाएगा। अभी अपन बात करते हैं। एकांतर प्रकार के पर्ण विन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप में लगी रहती है, प्रत्येक नोड से एक पत्ती लगी रहेगी और अल्टरनेट क्रम में वो लगी हुई होगी। उदाहरण आपका गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी, ये एकांतर पत्तियों के उदाहरण है, सिरा विन्यास वाले पत्तियों के उदाहरण है। सम्मुख प्रकार के पर्ण विन्यास में प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकलती है, एक जोड़ी पत्ती निकलेगी और एक दूसरे के सम्मुख होगी। कैलोट्रोपिस में ऐसी पत्तियां मिलती है, सेकंड बाय वाली कैलोट्रोपिस में मिलेगी और अमरूद में मिलेगी। यदि एक ही गांठ पर दो से अधिक पत्तियां निकलती है और उसके चारों तरफ एक चक्कर बनाती है, तो ये एक ही गांठ पर बहुत सारी पत्तियां चक्कर बना रही है, तो उन्हें हम चक्करदार पर्णविन्यास कह देंगे, और ये एल्स्टोनिया या डेविल ट्री में दिखाई देगा। तो जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम्पल्स बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे हम पत्ती के रूपांतरण की बात करते हैं। पत्ती को भोजन बनाने के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए रूपांतरित होना पड़ता है। वे ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान में, जैसे मटर यानी स्टेम टेंडल में रूपांतरित हो जाएगी, जैसे कि मटर में स्टेम टेंडल हमने देखा है, यहाँ पर पत्ती प्रतान में रूपांतरित हो रही है। तो ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान में जैसे मटर में, और रक्षा के लिए शूल में, कांटों में जैसे कैक्टस में, यह परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर हम पत्तियों के रूपांतरण की बात कर रहे हैं, और उससे पहले हमने स्टेम में मॉडिफिकेशन देखे थे। तो ये पत्ती के रेस्पेक्ट में प्रतान है और कांटे हैं, जो कि आपको कैक्टस में देखने को मिलेंगे। प्याज और लहसुन की गुदेदार पत्तियों में भोजन संचित होता है, पता ही है आप लोगों को। कुछ पौधों में ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में पत्तियां छोटी तथा अल्पायु होती है, इन पौधों में पर्णवृंत फैलकर हरा हो जाता है और भोजन बनाने का कार्य करता है।
कुछ कीटारी पादपों में पत्ती गढ़ गढ़े के आकार में रूपांतरित हो जाती है, जैसे गढ़ पर्णी पादप वेनस फाइट ट्रैप में ऐसा पाया जाता है। तो गढ़े के आकार की जो पत्ती है वो इंसेक्टिवरस प्लांट या कीटारी पादपों में आपको दिखाई देगी। बिल्कुल आपको ये मॉडिफिकेशन याद रखना है। कुछ मॉडिफिकेशन के उदाहरण में और आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे आपको लिफ्ट एंड्रिल के मॉडिफिकेशन दिख रहे हैं, जिसमें आप देखिए वो लिफ्ट टेंड्रिल लेथायरस में आपको दिखाई देगा, लीफलेट टेंड्रिल आपको पाइसम सेटाइवा में दिखाई देगा, लिफ्ट टिप टेंड्रिल जैसे सो ग्लोरियासा में दिखाई देगा, और स्टिपुलर टेंड्रिल आपको स्माइलेक्स में दिखाई देगा। तो ये कुछ लिफ टेंड्रिल के एग्जांपल है, तो आप लोगों को याद करना है लिफ टेंड्रिल्स किस किस में दिखाई देगा, बिल्कुल अच्छे से आप याद करेंगे। इसके अलावा अपन लीफ हुक्स की बात करते हैं। जो लीफ हुक है वो एक प्लांट होता है बिग्नोनिया, जिसको हम कैट्स नेल भी बोलते हैं, बिल्ली के नाखून भी इसे बोलते हैं। तो ये इस बिग्नोनिया में ये दिखाई देगा लीफ हुक्स, यहाँ पर ये हुक्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि तने के ऊपर किसी भी पौधे को क्लिंग करने में मदद करेंगे, पकड़ने में मदद करेंगे, उसको ऊपर चढ़ाएंगे। आपको फिल्लोड नज़र आ रहा है, जो फिल्लोड है उसकी भी हम बात कर लेते हैं कि फिल्लोड क्या होता है। तो इस फिल्लोड में ये अकेशिया, आप याद रखेंगे अकेशिया ओरिक्यूलोफॉर्मिस में दिखाई देता है फिल्लोड, और इसमें पीटियोल जो है वो फिल्लोड बनाता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे पीटियोल में रूपांतरण यहाँ पर पाया जाएगा, पीटियोल जो है वो बिल्कुल लीफ लाइक हो जाएगा, तो इसे ही हम फिल्लोड कहेंगे। एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि फिल्लोड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और इस प्रकार से जो पत्ती का बेसिक नॉलेज है वो पूरा हो जाता है। आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है, जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी के उच्च विचार है, उनसे आप लोगों को हमेशा ओतप्रोत रहना है। भारत के गौरव युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। थैंक यू वेरी मच।